लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद विधानसभा 95 टूंडला में हुई 40 राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर 17,216 वोटों से हुए विजयी घोषित। जी हां, बता दें 54,868 मत पाकर सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर दूसरे स्थान और बसपा प्रत्याशी संजीव चक 40,635 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। टूंडला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर की हुई जीत। जी हां, प्रेमपाल सिंह धनगर 17,216 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ और सुबह से ही पहले राउंड से भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर लीड बनाए रहे और आखिरी तक वह लीड बनाने में कामयाब भी रहे। आखिर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को हराते हुए 17,216 वोटों से वे विजयी घोषित हुए। जीत के बाद टूंडला मंडी समिति के बाहर समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। नगाड़ों पर समर्थक डांस करते हुए देखे गए। वहीं एसपी सिंह बघेल, सांसद फिरोजाबाद और कई बड़े नेता भी जीतने के बाद टूंडला मतगणना स्थल पर पहुंच गए। बस आप एक से है, मत पकड़ो। अरे माता जी पल्ला नहीं था, पल्ला का ध्यान रखो। के बारे में हम अपने मतदाताओं को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें आज अपना मत देकर हमें विजयी बनाया और अच्छे मतों से जिताया। नेताओं ने टूंडला को पिछला कहा था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पिछला बोल के गए थे, अब आपकी विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि यहाँ पर विकास होगा। 10 के बाद में हम घोषणाएँ करेंगे, क्योंकि लंबे समय से 1947 के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो ही विधायक रहे, आदरणीय शिव सिंह चक जी, आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी। इसलिए यहाँ विकास, मतलब अन्य दलों के यहाँ विधायक रहे, इसलिए विकास नहीं हो पाया है। अब मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपनी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कहूँगा कि यहाँ पर विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दें, जिससे यहाँ पर सड़कों का विकास हो, पानी की समस्या का निदान हो, ये जो पुल की समस्या है जो फतेहाबाद को जोड़ती है, उस पुल का भी निर्माण हो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं ये जनता की हैं, उनको करने का काम करूंगा। धनगर जी, ये बताइए कि एक तरफ आप जीत का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो उधर पानी और सड़क की समस्या को, बिजली की समस्या को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड जाम कर रहे हैं। अभी नहीं करना चाहिए था, अभी तो मैं विधायक बना ही हूँ, अभी प्रमाण पत्र मिलने वाला है। अब मुझे भी चिंता है, उनसे ज़्यादा चिंता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ, इसलिए किसान की पीड़ा को समझता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो माइनर में पानी नहीं आ रहा है वो पानी आए, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में हम बैठ के चिंतन करेंगे। उनको तो धरना प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी चाहूँगा कि पानी आए। ऐसे हैं जिसमें विकास के मुद्दों को लेकर के बहिष्कार किया है वोटों को, जिन गांवों में सड़क को लेकर के बहिष्कार किया है या पानी को लेकर के बहिष्कार किया है, जिन गांवों में मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, मत उनका है, नहीं दिया, विकास नहीं हुआ इसलिए नहीं दिया, मगर अब वहां पर विकास होगा, वो चिंता न करें। वोट दिया या नहीं दिया, बहिष्कार किया, मगर विकास में वहां पर जरूर कराऊंगा। जो भी समस्या उन गाँव की है उनमें सबसे पहले विकास कराऊंगा, क्योंकि बहिष्कार का भी कुछ न कुछ तो ऐसा बड़ा बनता है कि वो क्यों वोट नहीं दिया, बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए मैं चिंता करके उनके गांव में जाऊंगा और उनकी सुनूंगा और उनकी समस्या का समाधान करूंगा। भारी प्रत्याशी मान रहे थे कुछ लोग आपको, कैसे तय करेंगे कि आप शहर के ही प्रत्याशी थे और शहर के लिए? मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ हूँ, मेरी जलेसर विधानसभा लगी हुई है,
यहाँ मेरा गांव है, वहाँ जलेसर के 46 गांव इस विधानसभा में आए, तो मेरी विधानसभा के गांव इसमें आए, मेरी विधानसभा है ये, और फिर भी मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा जो ब्रज क्षेत्र है, मेरा ब्रज क्षेत्र अपना है, मैं बाहर का कहाँ हूँ, मैं तो पार्टी का काम करता हूँ। यहाँ कुछ दिनों में प्रवास पर रहा, पचोकरा मंडल का प्रभारी रहा, तो मैंने यहाँ काम करता हूँ। मुझे तो जिले में, हर जिले में पार्टी भेजती है, मेरे लिए कोई नया नहीं, न मैं उस विधानसभा के लिए नया नहीं हूँ। मैं तो यहाँ का हर कार्यकर्ता के, हर जनता के बोला स्नेह और प्यार और उसमें जो है खरा उतरा हूँ। जिन्होंने मुझे नया नहीं समझा है, उन्होंने समझा कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो पुराना ही कार्यकर्ता है। और पार्टी ने भी इसीलिए मुझे टिकट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा, जिससे कार्यकर्ता पार्टी के लिए और अधिक मन से कार्य करेंगे। तो कोई कुछ नया कुछ पुराना नहीं होता है। मैं यहाँ की जनता से मैं वायदा करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना निवास मैंने ले लिया है वैशालीपुरम में, मैं यहीं रहूँगा।